क्रिसमस की तैयारियां कैसी जा रही हैं? खुदा का शुक्र है जी, बच्चों के कपड़े ले लिए हैं, पेरेंट्स को भी कपड़े ले दिए हैं, राशन भी पूरा कर लिया है। अब तो बस क्रिसमस का इंतजार है कि क्रिसमस आए और क्रिसमस की खुशियों को अपने बच्चों के साथ मिलकर एंजॉय करें। वेरी गुड यार, सुना है वो दाइम के हालात बड़े तंग हैं, वो बड़े बुरे हालात में है। यार देखे सनी भाई, जो बंदा मेहनत करता है वही फल पाता है, दाइम अपने हालात का खुद जिम्मेदार है। यार खुरम, इस हवाले में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा। देखिए हालात इंसान पे जो है ना एक से नहीं रहते, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में एक जगह पर वाकया है कि जहाँ पर एक बड़े आलम ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि मैं क्या करूँ ताकि मैं उस अपनी जिंदगी को हासिल कर सकूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात उससे कही कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत कर तो तू जीता रहेगा। सो आज हमें इस बात को देखना है, जैसे क्रिसमस आ रहा है, कि हमारा हकीकी क्रिसमस है क्या? अगर हमारा पड़ोसी जो है, हमारे साथ वाला जो है, वो दुख में है, इन हालात में है कि वो अपने बच्चों के साथ उस क्रिसमस की खुशियों को अच्छे से नहीं मना सकता, तो हमें चाहिए कि हम अपने अखराजात को कम करके और उसकी कुछ ना कुछ मदद की जाए, ताकि वो भी हमारी तरह जो है वो इस क्रिसमस को जो है वो अपने बच्चों के साथ अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। तो फिर ही हम हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह का बदन गिने जाएंगे, अगर हम उसकी बातों पर इस तरह से अमल करेंगे तो। सनी भाई, आपने तो सच में मेरी आंखें खोल दी हैं। इस क्रिसमस का सबसे खूबसूरत मैसेज जो मुझे मिला है वो आज आपने मुझे दिया है, और मैं कोशिश करूंगा कि फाइनेंशियली अपने बजट में से कुछ ना कुछ पैसे निकाल के और दाइम की मैं मदद करूं, ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ मिलकर क्रिसमस की खुशियों को उसी तरह मना सके जिस तरह हम मनाते हैं। खुरम बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम मिलके जाकर उसकी मदद करेंगे। मैं भी भाई आपके साथ हूँ, मिलके मदद करेंगे हम उसके। चलो चलें फिर दाइम के यहाँ चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं।